रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट। सेक्शन 4, क्योंकि इस चैप्टर का नाम प्रोहिबिशंस एंड पनिशमेंट है, इसमें बता दिए हैं कि कौन कौन सी प्रोहिबिशंस है और प्रोहिबिशंस को फॉलो ना करने वाले को उसमें कंट्रावेंशन या उस पर ऑफेंस करने वाले की सजा क्या है, वो भी इसमें कंपेरिजन में मैंने बता दी है। सेक्शन 4, प्रोहिबिशन एंड कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स। नो वन शैल कल्टीवेट एनी कैनाबिस प्लांट, कोका बुश और ओपियम पोपी, और गैदर एनी पोर्शन ऑफ ए कैनाबिस प्लांट, कोका बुश और ओपियम पोपी। कोई भी शख्स कैनाबिस प्लांट, कोका बुश, ओपियम पोपी को कल्टीवेट नहीं कर सकता, ना ही उसे किसी पोर्शन को गैदर कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। कोई भी शख्स ये काम नहीं कर सकता, दोनों काम। Provide that the federal government or a provincial government authorized by the federal government may, subject to such conditions as it may prescribe, permit under a license cultivation or gathering of any such narcotic plant or any portion thereof exclusively for medicinal, scientific or industrial purpose. So, start में पढ़ा कि कोई भी शख्स cultivate या gather नहीं कर सकता cannabis, coca या opium poppy को, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कंडीशन प्रिस्क्राइब करे, उन कंडीशन पर उसको लाइसेंस इशू करे, जैसे हमने ड्रग एक्ट में पढ़ा था कि जब भी लाइसेंस इशू किया जाता है या कोई भी ड्रग रजिस्टर की जाती है तो वो कुछ कंडीशंस के ऊपर इशू कर दी जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस के ऊपर लाइसेंस इशू कर दिया जाता है कि वो कल्टीवेट कर लें इनको, कैनाबिस प्लांट को, कोका बुश को या ओपियम पोपी को, या उसको गैदर करें। लेकिन ये सब चीज़ें किस पर्पस के लिए हो? एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिसिनल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। सेक्शन 5, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी, इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी है, इस सेक्शन में कंट्रावेंशन करने की पनिशमेंट क्या है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कल्टीवेट या गैदर कर लेता है इनको, या लाइसेंस रिक्वायर्ड, लाइसेंस अगर इशू किया गया है कि उस कंडीशन पे उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, whoever contravenes the provision of section 4 shall be punishable with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or with both. तो 7 साल तक उसकी imprisonment है, साथ fine भी हो सकता है या फिर दोनों भी, खाली fine हो सकता है या खाली imprisonment हो सकती है या फिर दोनों, fine और imprisonment दोनों भी हो सकते हैं। Section 6, prohibitions of possession of narcotic drugs. No one shall produce, manufacture, extract, prepare, possess, offer for sale, sell, purchase, distribute, deliver on any terms whatsoever, import, dispatch any narcotic, psychotropic or controlled substances. कोई भी शख्स ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना प्रोड्यूस कर सकता है, ना प्रिपेयर, ना सेल, ना डिस्ट्रीब्यूट, ना डिलीवर, ना डिस्पैच, ना ट्रांसपोर्ट। क्या चीज़ें? नारकोटिक, साइकोट्रॉपिक, कंट्रोल सब्सटेंसेज। इन तीनों सब्सटेंसेज को ना कोई भी प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस। लेकिन जैसे हमने सेक्शन 4 में भी पढ़ा कि वो कल्टीवेशन और गैदर की इजाज़त किस कंडीशन में देंगे? फॉर मेडिसिनल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो यहाँ पर भी अगर प्रोडक्शन की इजाज़त देगी, सेल की या डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त दी जाएगी, वो सिर्फ इन तीन पर्पस की बेस पे ही दी जाएगी। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड मे बी स्पेसिफाइड बाय और अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स। और कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जाएंगी कि ये कंडीशन है, इस लॉ के अंदर रहते हुए आपको, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन भी प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी और क्या है, सिर्फ मेडिसिनल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उसको ये सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं। सेक्शन 7, प्रोहिबिशंस ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। सबसेक्शन 1, नो वन शैल इम्पोर्ट इनटू पाकिस्तान, एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान और ट्रांसशिप। तो कोई भी शख्स इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसशिप नहीं कर सकता इनटू पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। क्या चीज़ें? कोई भी नारकोटिक, साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंस। Save in accordance with rule made under subsection 2 and in accordance with the conditions of any licenses, permit or authorization for the purpose which may be required to be obtained under those rules. जैसे हमने पिछले दो सेक्शंस में पढ़ा
कि कोई अगर मैन्युफैक्चर करना चाहता है, सेल या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो किस पर्पस के लिए हो, साइंटिफिक, मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, और उसके लिए उसको कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, और कल्टीवेशन के लिए और गैदरिंग के लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए भी उस पर्सन के पास वैलिड लाइसेंस हो, उसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन हो, प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू उसको लाइसेंस इशू हुआ हो, कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है कि किस कंडीशन के तहत वो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सबसेक्शन टू, फेडरल गवर्नमेंट मे मेक रूल परमिटिंग एंड रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट into an export from Pakistan, transport within Pakistan and transshipment of any narcotic, psychotropic or controlled substance. तो फेडरल गवर्नमेंट किसके बारे में रूल्स बना सकता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसशिप ऑफ नार्कोटिक, साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंसेज की रेगुलेशन का। सच रूल्स मे प्रिस्क्राइब द पोर्ट्स एंड प्लेस एट विच एनी काइंड ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंस मे इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान एंड ट्रांसशिप। और फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसके मुताबिक रूल बना सकता है, उसके पोर्ट्स और प्लेसेस स्पेसिफाई कर देगा कि अगर बाय एयर आ रहे हैं तो ये एयरपोर्ट्स हैं जहां पर, जहां से एक्सपोर्ट होगी, जहां पे ये इंपोर्ट होगी, फिर अगर या शिप के थ्रू, बाय शिप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके लिए भी पोर्ट्स जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो जगह स्पेसिफाई कर देंगे कि इन इन जगहों पर ये ट्रांसपोर्ट होगी, इसके अलावा किसी और जगह पर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। The form and conditions of license, permit or authorized by which such license, permit or authorization may be granted, the fees that may be charged thereof, and any other matter required to have effective control of federal government over such import, export, transport and transshipment. इसके अलावा वो form और condition of license बता देंगे, वो authorities, suppose अगर licensing authority है, वो authorities specify कर देंगे कि इन इन authorities से licenses आप ले सकते हैं या वो permit करेंगे, proper authorization हो, फिर उसकी fees बता देंगे कि इतनी fees से charge होगी, इस इतने अगर आप ये license बनाते हैं इन transport का या import export के license, तो इतनी fees होगी, ये जो भी matter फेडरल गवर्नमेंट चाहेगा वो उसके मुताबिक रूल्स बना देगा ताकि इफेक्टिव कंट्रोल हो सके ओवर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट में। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स बना सकता है, वो बना सकता है कि कहाँ कहाँ पे ड्रग ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट होगी, वो पोर्ट्स और प्लेसेस स्पेसिफाई कर देगा, वो फिर लाइसेंस की कंडीशन स्पेसिफाई कर देगा, वो लाइसेंस अथॉरिटी स्पेसिफाई कर देगा, वो फीस बता देगा और जो भी रूल्स वो चाहेगा इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक, साइकोट्रॉपिक, कंट्रोल सब्सटेंसेस के वो बना सकता है। सेक्शन 8, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। तो ट्रैफिकिंग का क्या मतलब है, ट्रेड या बिजनेस करना। नो वन शैल क्लॉज ए ऑर्गेनाइज, मैनेज, ट्रैफिक इन और फाइनेंस द इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर और ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस। तो कोई भी शख्स ऑर्गेनाइज, मैनेज, ट्रैफिक, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिकिंग, मतलब कोई भी शख्स नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक, कंट्रोल सब्सटेंसेस का बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपने फाइनेंस के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, एज ए बिजनेस वो इसको अडेप्ट नहीं कर सकता। क्लॉज बी, यूज वायलेंस और आर्म्स फॉर कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो ब्रूटल एक्शन से या वायलेंस से या असलहा यूज करना फॉर कमिटेड एन ऑफेंस जो इस एक्ट के अंडर पनिशेबल है, for the purpose of trafficking and financing of narcotic psychotropic control substance, तो ये भी prohibitions में आता है। अब section 6, 7 और 8 में जो contravention करेगा, जो पीछे हम तीनों पढ़ चुके हैं, तो उसकी punishment क्या है। अगर narcotic psychotropic control substance की quantity 100 ग्राम या उससे less होगी तो फिर 2 साल की imprisonment होगी, fine भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। अगर narcotic psychotropic control substance की क्वांटिटी 100 ग्राम से एक्सीड होगी लेकिन ये केजी से कम होगी तो फिर 7 साल तक सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी हो सकता है। डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 14 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी हो सकता है विच में अप टू 1,000,000 रुपीज If the quantity of narcotic drug, psychotropic or control substance exceed the limit specified in clause B. Clause B में जो specified limit कर दी है, क्या limit की है कि वो
केजी से कम थी। अब यहाँ पर अगर केजी से ऊपर हो जाती है वो क्वांटिटी, नार्कोटिक साइकोट्रोप या कंट्रोल सब्सटेंस की क्वांटिटी 1 केजी से अबव हो जाती है, तो फिर क्या होगा, डेथ पेनल्टी होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है या फिर 14 साल की सजा और फाइन हो सकता है जो कि है अप टू 1 मिलियन रुपीज। प्रोवाइड दैट द क्वांटिटी एक्सीड 10 केजी द पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अगर क्वांटिटी 10 केजी से इंक्रीज कर सकती है तो उसकी जो सजा है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है मिनिमम, ठीक है, यानी कि उसको 14 साल की सजा भी नहीं दी जाएगी, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कही जाएगी अगर क्वांटिटी 10 केजी से इंक्रीज कर जाती है। सेक्शन 10 प्रोहिबिशंस ऑन ओमिंग ऑपरेटिंग प्रेमिसेस और मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। नो वन शैल ओन मैनेज ऑपरेट और कंट्रोल एनी प्रेमिसेस प्लेस इक्विपमेंट और मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ कैनाबिस कोकेन ओपियम ओपियम डेरिवेटिव नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस। कोई भी शख्स किसी भी नार्कोटिक साइकोट्रोपिक कंट्रोल सब्सटेंस कैनबिस कोकेन ओपियम ओपियम डेरिवेटिव इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता किसी भी प्रेमिसेस पे, ठीक है। तो नो वन शेल कैन ऑपरेट मैनेज कंट्रोल किसी भी जगह पर, मतलब उसकी वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है कि वहां पर वो इन सब चीजों की प्रोडक्शन करे, इनको मैन्युफैक्चर करे। सेव इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस एंड पेमेंट ऑफ सच लाइसेंस मे बी प्रिस्क्राइब। लेकिन किस कंडीशन में वो ये काम कर सकता है, अगर वो लाइसेंस इसको इशू हुआ हुआ हो और उसने उस लाइसेंस की फी भी पे की हुई हो, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस पे उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा और उस लाइसेंस की फी उसने पे की होगी और उस लाइसेंस की बेस पर वो ये नार्कोटिक साइकोट्रोपिक कंट्रोल सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, उसमें उसके लिए इक्विपमेंट और उसकी जगह उसके लिए इंडस्ट्री वो बना सकता है। अदरवाइज विदाउट लाइसेंस विदाउट ऑथराइजेशन वो ये काम नहीं कर सकता। सेक्शन 1 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 की कंट्रावेंशन कोई करेगा तो उसकी सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, 25 साल तक उसकी इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है लेकिन वो 10 साल से कम ना हो, और उसको फाइन भी हो सकता है विच शेड नॉट बी लेस देन 1 मिलियन रुपीज। 1 मिलियन रुपीज जो मिनिमम लिमिट बता दी है, मतलब इससे कम फाइन उसको नहीं होगा। सेक्शन 12 प्रोहिबिशंस ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स डिराइव्ड फ्रॉम नार्कोटिक ऑफेंस। एक्विजिशन मीन्स परचेज करना या ऑब्टेन करना। नो वन शैल नोइंगली क्लॉज ए पोजेस एक्वायर यूज कन्वर्ट असाइन और ट्रांसफर एनी एसेट विच हैव बीन डिराइव जनरेटेड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइदर इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ हिज एसोसिएट रिलेटिव और एनी अदर पर्सन थ्रू एन एक्ट और ओमिशन रिलेटिंग टू नार्कोटिक सब्सटेंस विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट द कस्टम एक्ट 1969 एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1979 और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी शख्स किसी एसेट्स को पोजेस नहीं कर सकता, एक्वायर नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, वो जो कि डिराइव हुई भी हों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से ऑब्टेन की गई हों, उसके अपने नाम पे हो या उसके किसी एसोसिएट के नाम पे हो, किसी ऐसे एक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो कि रिपीट हो चुका हो, या किसी ऐसी ओमिशंस को जो कि नार्कोटिक सब्सटेंस से रिलेटेड हो लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो ऑफेंस हो, ठीक है, या किसी कस्टम एक्ट के थ्रू प्रोहिबिशन एक्ट 1997 या फिर जो एक्ट रिपीट हो चुका है नार्कोटिक एक्ट 1996, वो किसी भी एक्ट को हथियार बनाकर ये नहीं कह सकता कि वो इसको इस एसेट्स को पोजेस कर सकता है या यूज कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है। उसको जो भी काम करने हैं जो भी इनको उस पर प्रोसीडिंग करनी है वो इस एक्ट के अंडर ही करनी है और इस एक्ट के अंडर ये पनिशेबल है, ठीक है। तो कोई भी एसेट्स को पोजेस एक्वायर ट्रांसफर असाइन नहीं कर सकता जो कि उसके अपने नाम पे हो या उसके किसी एसोसिएट या रिलेटिव के नाम पे हो, ठीक है, किसी और एक्ट के अंडर रहते हुए, किसी और एक्ट को हथियार बनाते हुए, या कोई और एक्ट जो कि उस टाइम इनफोर्स है पाकिस्तान में कस्टम एक्ट या प्रोहिबिशन एक्ट 1979 या फिर जो एक्ट रिपीट हो चुका है या फिर कोई और लॉ जो कि इस एक्ट के थ्रू रिपीट कर दिया गया है, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग वो इन एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता।
ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस एक्ट के थ्रू ये काम कर सकता हूँ। सपोज प्रोहिबिशन एक्ट 1979, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं दी गई तो मैं इसको यूज़ और कन्वर्ट और ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। या 1996 में जो नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट आया था, जो कि रिपीट हो चुका है, उसमें ऐसा कोई क्लॉज या कोई भी शिक ऐसी मैंशन नहीं है कि मैं इन एसेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कोई भी शख्स नोइंगली ऐसा नहीं करेगा, वो इन चीज़ों को यूज़, कन्वर्ट, असाइन, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के थ्रू प्रोहिबिशंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी और एक्ट को हथियार नहीं बनाएगा अपने इस काम के लिए, अपने इस मकसद के लिए। क्लॉज बी, होल्ड और पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी एसेट रेफर टू इन क्लॉज ए, और ना ही कोई पर्सन किसी और एक्यूज के, किसी और पर्सन या किसी के एक्यूज के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स को होल्ड करेगा। क्लॉज सी, कंसील और डिस्गॉइज द ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ सच एसेट बाय मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन इन रिलेशन देयर टू। एसेट्स की ट्रू नेचर को छुपाना, कवर अप करना, उसकी लोकेशन को छुपाना, उसकी मूवमेंट को, उसकी ओनरशिप को, और फॉल्स डिक्लेरेशन करना, फॉल्स इंप्रेशन देना, ये सब चीज़ें भी प्रोहिबिशन में आती हैं। यानी कि किसी भी एसेट्स को छुपा नहीं सकते, कवर अप नहीं कर सकते, उसको, उसकी मूवमेंट को, उसकी ओनरशिप को नहीं छुपा सकते हैं, और उसके बारे में फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। सेक्शन 13, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 12। अब इन सेक्शन 12 की जो कंट्रावेंशन करेगा उसकी क्या सजा है? इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 14 ईयर्स बट शैल नॉट लेस देन 5 ईयर। तो इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स तक जा सकती है, लेकिन 5 साल से कम ना हो। और फाइन कितना हो सकता है? नॉट लेस देन प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू तक, जितनी उन एसेट्स की वैल्यू है उतना ही उसका फाइन होगा। And such assets shall also be liable to forfeit to federal government. और ये asset forfeit कर दिए जाएंगे federal government, क्या federal government उन asset को जब्त कर लेगा और फिर उनको dispose of करने के लिए proceeding करेगा। Section 14, prohibition in aiding, abetment or association in narcotic offences. No one shall within or outside Pakistan participate in, associate or conspire to commit, attempt to commit, aid, abet, facilitate, incite, induce or counsel the commission of an offence punishable under this act. तो कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर अपने किसी एसोसिएट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसके साथ प्लानिंग नहीं बना सकता, उसके साथ ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता, उसको इंकरेज नहीं कर सकता फॉर रॉन्ग डूइंग, उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकता, उसको वायलेंस में इंकरेज नहीं कर सकता, उसको काउंसिल नहीं कर सकता कि वो इस एक्ट के अंदर रहते हुए ऑफेंस करे, कोई ऐसा ऑफेंस करे जो कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है। सो कंस्पायर मीन्स प्लान बनाना टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट कोई भी ऑफेंस, एड मीन्स हेल्प आउट करना, अबेट मीन्स हेल्प समवन फॉर रॉन्ग डूइंग्स, इनसाइट मीन्स encourage for violence, ठीक है, तो ये सब काम कोई नहीं कर सकता। Explanation, for the purpose of this section, a person shall be deemed to have associated with, conspired, aided with the meaning of this section if he does anything in a place beyond Pakistan, which, और अगर किसी शख्स ने plan किया है to commit an offence, उसको help out किया है, उसको encourage किया है for wrongdoing, उसको वायलेंस पे इंकरेज किया है, उसको गाइड किया है किसी भी अपने एसोसिएट को पाकिस्तान से बाहर, तो वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ ही कमिटेड विद इन पाकिस्तान, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि जैसे उसने पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट किया है। क्लॉज बी, अंडर द लॉ ऑफ सच अदर प्लेस इज एन ऑफेंस रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक कंट्रोल सब्सटेंस हैविंग ऑल द लीगल एंड एनालॉगस कंडीशन रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट इट एज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, या उस जगह का जो लॉ होगा उस लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑफेंस कमिट किया है नारकोटिक साइकोट्रोपिक कंट्रोल सब्सटेंस के रहते हुए वो सारे लीगल और एनालॉगस कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होंगी। सेक्शन 15, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 14, और इस सेक्शन में कंट्रावेंशन करने वाले की क्या सजा है? Whoever participate in, associate, conspire to commit, attempt to commit, aid, abet, facilitate, incite, induce or counsel the commission of an offence in contravention section 14 shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such participation, किसी ने participate किया है, associate किया है, commit किया है, attempt to commit किया है, help out किया है, encourage किया है under section 14,
चाहे उसने वो ऑफेंस चाहे वो ऑफेंस कमिट हुआ हो या ना हुआ हो, ऐसे अगर किसी बंदे को वो फैसिलिटेट कर रहा है, वो उसको कंस्पायर कर रहा है, वो उसको इंकरेज कर रहा है कि वो रॉन्ग डूइंग करे। अब अगर दूसरे बंदे ने वो ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया, एंड नॉट रिसेंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 116 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस एंड सच लेसर पनिशमेंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो पाकिस्तान पिनल कोड के 116 सेक्शन में जो सजा बता दी है वो उसके मुताबिक उसको सजा होगी, या फिर कम सजा भी हो सकती है अगर कोर्ट उस चाहे तो। तो जो भी पार्टिसिपेट करेगा, कंस्पायर करेगा, एड करेगा, अबेट करेगा फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, चाहे वो ऑफेंस कमिट हुआ हो या ना हुआ हो, तो उसको पाकिस्तान पिनल कोड 116 के तहत उसको सजा मिलेगी, और उसको कम सजा भी हो सकती है अगर कोर्ट चाहे। सेक्शन 16 पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो ऑफेंस इज प्रोवाइडेड। Whoever contravenes any provision of this act or any rule or order made or any license, permit or authorization issued here under for which no punishment is separately provided in this chapter. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर इस एक्ट के प्रोविजन के में अगर कोई कंट्रावेंशन कर रहा है, कोई इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस है, कोई ऑथोराइजेशन है, तो और उसकी कोई सेपरेट पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई, तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो उसकी सजा 1 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और फाइन जो है 5,000 रुपी तक हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 17 ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स। Whoever hinder or obstruct any officer in the performance of his function under this act or willfully furnishes to such officer any information. अगर कोई शख्स obstruct करे किसी officer के performance में, उसकी duties में, और willfully furnish to such officer any information which is to his knowledge or belief false in material particular shall be punishable. और या फिर उसको willfully कोई उसको information दी जाती है officer को जो कि false है, तो उसकी पनिशमेंट होगी विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। तो 3 साल तक उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। अगर कोई ऑफिसर के फंक्शंस या ड्यूटीज में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा और उसको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा जानबूझ के, तो उसकी ये सजा है। सेक्शन 18 लिमिट ऑफ फाइन। वेयर फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट नो अमाउंट ऑफ मिनिमम फाइन हैज बीन फिक्स्ड। इस एक्ट के अंडर किसी भी ऑफेंस की मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं की गई है। द स्पेशल कोर्ट शैल इम्पोज द फाइन कीपिंग इन व्यू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। तो ड्रग कोर्ट को फाइन इम्पोज करते हुए ये मद्देनजर रखना है कि जो नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक और कंट्रोल सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वान्टिटी कितनी है, तो उसकी बेस पर वो फाइन इम्पोज करेगा। सेक्शन 19 फोर फीचर ऑफ एसेट्स ऑफ एन ऑफेंडर। नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 13 वेयर द स्पेशल कोर्ट फाइंड आउट ए पर्सन गिल्टी ऑफ ए ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। स्पेशल कोर्ट को ये फाइंड आउट करता है कि ए पर्सन गिल्टी है और इस ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के, एंड सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर, और उसको वो इम्प्रिजनमेंट की सजा दे देता है 3 साल से ज्यादा की। द कोर्ट शैल ऑर्डर that his asset derivable from trafficking narcotic substance, तो court order दे देता है जो उसके assets हैं जो कि narcotic substance से derived हुए हुए हैं shall stand forfeited to federal government, वो federal government को forfeit कर दी जाते हैं कि federal government उनको अपने जब्त में ले लेता है। unless it is satisfied, unless कि जब तक स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो जाए, फॉर विच द बर्डन ऑफ प्रूफ शेल रेस्ट ऑन द एक्यूज दैट दे और एनी पार्ट देयर ऑफ हैव नॉट बीन सो एक्वायर्ड। अनलेस जो स्पेशल कोर्ट है ये सेटिस्फाई ना हो जाए, या कि ये एसेट जो है ये उसकी लीगल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर कोई भी जुर्म नहीं हुआ हुआ, या इसने कोई भी कंट्रावेंशन करके ये प्रॉपर्टी ऑब्टेन नहीं की है, ठीक है। अदरवाइज अगर किसी को 3 साल से ज़्यादा की सजा वो दे देता है किसी नार्कोटिक केस में, नार्कोटिक सब्सटेंस केस में 3 साल से ज़्यादा सजा देगा, तो उसके ऊपर वो उसके तमाम एसेट्स को भी फेडरल गवर्नमेंट को फॉरफीट कर देगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई होते हैं जिसका बर्डन जो है वो अक्यूज पे होगा, अक्यूज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी ये प्रॉपर्टी फॉरफीट ना की जाए क्योंकि ये उसकी लीगल प्रॉपर्टी है, या उसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, कंट्रावेंशन करके प्रॉपर्टी ऑब्टेन नहीं की है,
तो वो इसको इस ऑर्डर को फोर फीटर के ऑर्डर को हटा सकता है, अदरवाइज ये फेडरल गवर्नमेंट को फोर फीट कर दी जाएगी जितने भी उसके एसेट्स होंगे। ठीक है, तो अगर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ये एसेट जो है वो इसके ऊपर कोई भी इलीगली प्रॉपर्टी नहीं है या इलीगल थ्रू वे से लिए हुए हैं या इनके ऊपर कोई कंट्रावेंशन नहीं हुई भी, तो वो उसके ऊपर से फोर फीटर का टैग हटा सकता है, अदरवाइज वो फेडरल गवर्नमेंट को फोर फीट कर दिए जाएंगे।